के अंदर जीआर किट लगेगी। अच्छा ठीक है, जीआर किट आएगी जिसमें तो पियानो के साथ फिनिशिंग देंगे। रोल बार इंस्टॉल हुए हैं, ये देख सकते हो प्रो मैन के, ये खाली बोनट स्कूप है, इसके नीचे ये पूरी जीआर किट है। तो भाई ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जब यहाँ से जाएगा ना पूरा चेंज हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। ये चेक करो पूरा भाई, मॉन्स्टर ट्रक लग रहा है ये, देखो ना इधर भी कार्बन फाइबर है, इधर भी है और इधर भी रहने वाला है, और ये पूरा भाई अपना इधर पूरे कंसोल पे रहने वाला है। हाइड्रो टिप किया साथ में इसको ग्लॉस करा दिया हमने, ठीक है। ये हाइड्रो टिप है, ऐसे ही हमारा मीटर के उधर जाएंगे तो हाइड्रो टिप विद ग्लॉस है। शटर भी इंस्टॉल हुआ है, मैनुअल वाला रहने वाला है। बम्पर वगैरह पूरा चेंज हुआ है, पूरी भाई जीआर किट इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। आज तो मेरे को लग रहा है पूरा दिल खोल के पैसा खर्च कर रहे हो इसके अंदर, शौक है पूरे करने। फोकल के अपने कंपोनेंट वगैरह रखने वाले इसके अंदर। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूं सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। आज हम खड़े भाई बालाजी कार एक्सेसरीज करोलबाग के अंदर। तो भाई ये देखो बिल्कुल नया चमचमाता हाइलक्स रहने वाला है, और आज भाई इसके अंदर पूरा बढ़िया तगड़ा काम होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो ऑन की डैम्पिंग हो रही है भाई पूरे हाइलक्स के अंदर, इनर आउटर दोनों रहने वाली है, और साथ ही साथ पूरा काम रहने वाला है, किट वगैरह सब चीज़ के अंदर लगने वाली है। अगर मैं दिखाना चाहूँ ना आप सभी को, पूरे गेट वगैरह खुल चुके हैं, अंदर की तरफ प्रॉपर डैम्पिंग हो चुकी है, बाहर की तरफ हो रही है। फ्रंट से दिखाऊँ, अभी लुक चेक कर लो, मैं दिखाता हूँ अभी बेसिक जो आया हमारे पास, बेसिक है कैसा दिखने में। तो भाई ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जब यहाँ से जाएगा ना पूरा चेंज हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। और सारी चीज़ दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही है। और बात करूं अगर किसी को इसके फॉग लाइट प्रोजेक्टर चाहिए वो अपने पास मिल जाते हैं, ग्रिल चाहिए ग्रिल अपने पास मिल जाती है। और अगर दिखाना चाहूं जैसे कि भाई इधर डैम्पिंग हो चुकी है तो कितना फ़र्क रहता है, ये देखो आवाज़, और ये देखो भाई कितना फ़र्क हो जाता है। तो रोड नॉइज़ भी कम आएगी इसके अंदर, जैसे कि भाई जिनके ऑफ रोडिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करेंगे या ऑफ रोड के लिए ली होगी जिन्होंने, तो कंपनी से भाई ये कुछ इस तरीके से आती है अंदर से। तो अभी उधर भी डंपिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली है इसके अंदर, फोकल के अपने कंपोनेंट वगैरह रखने वाले इसके अंदर, वो प्रॉपर जो डिटेल में बताने वाले डिंपल भैया हमें बताने वाले। डिंपल भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो डिंपल भैया को हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। तो भैया ये बताओ क्या हो रहा है आज इसके अंदर? आज इसमें कुछ बड़ा धमाका कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हो एक बार बता दो, मैंने पूरी गाड़ी दिखा दी है स्टॉक, मतलब की आगे से लेके पीछे तक की अभी स्टॉक है, अभी क्या क्या चेंज होने वाला है इसके अंदर? जीआर किट लगेगी। अच्छा ठीक है, जीआर किट आएगी जिसमें तो पियानो के साथ फिनिशिंग देंगे। अच्छा अच्छा, और राइट स्टेपर्स चेंज होंगे अभी इसके, ठीक है। तो रात तक आपको कुछ हद तक गाड़ी चेंज होते हुए दिख जाएगी। अरे वाह, तो इसमें एक दिन लगने वाला है पूरा? नहीं, अगर भैया पेंट भी करा रहे हैं तो 3 दिन का काम है। 3 दिन का काम है, पेंट नहीं कराते तो 1 से 1.5 दिन में। तो अगर बात करें तो स्पीकर्स वगैरह ये लगने वाले अपने, फोकल्स के कंपोनेंट, फोकल के आगे कंपोनेंट लग रहे हैं, कंपोनेंट एक्सपर्ट सीरीज पॉली ग्लास जिसको बोलते हैं, पॉली ग्लास स्पीकर आता है एक्सपर्ट सीरीज का, बोल रहा है। ये देखो डैम्पिंग ऑन की होगी, लग रही है 3 mm, ठीक है, अंदर बाहर लग रही है पूरी, ठीक है। पीछे भी कंपोनेंट, पीछे भी कंपोनेंट लग रहा है एक्सपर्ट का पॉली ग्लास। अरे वाह, मतलब दिल खोल के पैसे लगाए जा रहे हैं इसके अंदर, है बहुत। और जो नीचे लगेगा वो साउंड मेकर्स का 120 RMS वाला एम्पलीफायर लगा, ठीक है। वूफर वगैरह कुछ? अभी वूफर का कुछ नहीं है, वूफर इन फ्यूचर अभी देखेंगे कि शाम तक होते होते कुछ ऐड। और पीछे की बात करें, पीछे क्या लग रहा है? लग रहा है ठीक है, और रोल बार लग रहा है, अभी नया डिजाइन आया है वो दिखाएंगे। तो शटर इसमें मैनुअल है ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक चाहिए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। रोल बार में बहुत सारे डिजाइन है इसके अंदर, और भी आपको कुछ और चीजें चाहिए हो हाइलक्स के लिए वो मिल जाएगा। डिकी लॉक भी लगने वाला अपना, जो सेंटर लॉक के साथ काम करने वाला है पूरा। तो अभी मेरे को तो लग रहा है पूरी रात गई आज तो यहाँ पर, जिस तरीके की रात गई बात अगला दिन भी गया, अगला दिन आएगा। बाकी हमारे कस्टमर आ रखे हैं अभी तक। तो भैया कैसे हो? भैया कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से आए हैं, तो अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है ना अपना? हाँ, परसों डिलीवरी ली है, परसों डिलीवरी ली है, और आज कल जैसे कि मंडे था तो ऑफ था, तो आज आ चुके भाई बालाजी का एक्सेसरीज करोलबाग में। भैया बढ़िया काम होता है एलेक्स का यहाँ पर? हमने तो एक का पहले करा चुके हैं, हाँ, तो ये दूसरी भी ले आए। अब वही तो एक्सपीरियंस बताएंगे ना कि पहले वाला कैसा है, कैसा नहीं। बढ़िया ही था, तभी दूसरी बार आ गए। बिल्कुल, आज तो मेरे को लग रहा है पूरा दिल खोल के पैसा खर्च कर रहे हो इसके अंदर, शौक है पूरे करने से। तो अभी भाई देख सकते हो, तो प्रॉपर जो निकल के आएगी वो कुछ अलग ही चीज निकल के आएगी, है ना भैया? इसमें अभी अलॉय वगैरह भी चेंज होने हैं, अलॉय शायद भैया जाएंगे पंजाब जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अलॉय वगैरह भी अपने पास वैसे मिल जाते हैं डीमैक्स वगैरह के लिए? मिल जाते हैं, हमारे पास अलग ही रेंज होती है, फिर हाई कैटेगरी रेंज। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी इसमें होने देते हैं, फिर आपको एंड में दिखाते हैं कंप्लीट क्या कुछ रहने वाला है। तो भाई साथ के साथ इसमें काम चल ही रहा था, तो इसके अंदर अपना रोल बार भी आ चुका है, जैसे कि भाई अभी ये पूरा फिट हो रहा है, देख सकते हो पूरा अलग अलग पार्ट में आता है ना भैया? अलग अलग पार्ट में आता है, 4 पार्ट में आया हुआ है। तो इसका क्या नाम है इस वाले रोल बार का भैया? प्रोमैन का रोल बार है। अरे वाह, तो भाई प्रोमैन, ये देखो भाई, मतलब ये कुछ अलग ही तगड़ी चीज लग रहा है, मतलब लग जाएगा ना, फिट हो जाएगा इस पे, कुछ अलग ही आने वाला है।
ये अपना मैनुअल अपना शटर रहने वाला है, जैसे कि अभी प्रॉपर वर्किंग वगैरह भी करके दिखाएंगे आप सभी को। और ये आ चुकी है भाई अपनी पूरी किट जो कि जीआर किट आती है, ठीक है। ये देखो भाई ये बोनेट पे लगने वाला है पूरा, ठीक है। और क्या क्या आता है इसके अंदर भैया? ये खाली बोनेट स्कूप है, इसके नीचे ये पूरी जीआर किट है। अरे वाह, अभी पेंट पे जाइए तो पूरा इंस्टॉल हो गया, फिर आपको वीडियो में दिखाएंगे भाई। वाह, तो ये देख लो पूरी प्रॉपर सिस्टम का काम तो चल ही रहा था और अभी चल ही रहा है, थोड़ा वेट स्टेप पे हैमर के, ठीक है। ये भी अभी लगेंगे ना? ये रात में ही लग जाएंगे, ठीक है। तो भाई अभी देख सकते हो अभी कितनी देर और लगने वाली भैया इसमें? अभी 3-4 घंटे और लगेंगे, जिसमें ये शटर और साइड स्टेप लगेंगे। और जीआर किट? जीआर किट कम से कम 2 दिन, 2 दिनों पेंट के लिए जाएगी, पेंट पे जाएगी गाड़ी। तो ये वाला बम्पर हटेगा क्या इसका? ये पूरा बम्पर हटेगा, ठीक है। और ये भाई पूरा स्कूप ये इसके ऊपर फिट होगा, लगेगा मतलब। तो अभी ये सारी चीज़ हो रही है, और साथ ही साथ अगर दिखाना चाहूँ तो अपना एम्पलीफायर भी फिट हो चुका है साउंड मेगस का, ये देख सकते हो। तो अभी थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ी देर क्या 2-3 घंटे और लगेंगे, फिर कंप्लीट आपको दिखाएंगे कैसी लुक आ रही है गाड़ी की निकल के। तो गाइज ये देख सकते हो भाई प्रॉपर अपना रोल बार वगैरह सब फिट हो लिया है मोस्टली। अब अगली क्लिप में देखना भाई, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल इसको चेंज कर देंगे, वो दिखाते हैं। ये पूरा रोल बार चेक कर लो, ठीक है। शटर देख सकते हो, और साथ ही साथ ये देखो भाई साइड स्टेप क्या ही लग रहे हैं। इसके जो कंपनी से आए थे वो भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा उस तरफ रखे हैं। तो भाई ये देखो, ये हो गए इसमें पैक जो इसके थे, जो उतरे थे साइड स्टेप, ये देख सकते हो। और ये लगे हैं भाई अपने हैमर के, ये चेक करो भाई क्या ही फिनिशिंग आ रही है। और भाई ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी भाई तुम्हारी जी आर किट इसके अंदर इंस्टॉल होने वाली है, और फिर देखना भाई इसकी नेक्स्ट लेवल लुक आने वाली है। The next day. अब दिखाने वाला हूँ भाई पूरी, भाई हाइलैक्स भाई पूरी चेंज हो चुकी है। तो भाई साहब ये चेक करो। तो डिंपल भाई ये तो क्या थी और क्या बना दिया आपने इसका? मैं बोला था ना कुछ अलग ही बन गया है यार। ये देखो भाई बम्पर वगैरह पूरा चेंज हुआ है, पूरी भाई जीआर किट इसके अंदर इंस्टॉल हुई है, प्रॉपर मेंशन हो चुका है। 4 दिन का काम था, आज देख लो 4th दिन हो गया बिल्कुल। और भाई क्या क्या चीज आती है जीआर किट में वो गिनवाओ पहले। तो जीआर किट में हमारा ग्रिल आ गई, ग्रिल, बम्पर, फॉग लाइट कवर, ब्रैकेट, ठीक है, फ्रंट से। अरे वाह, बोनट स्कूप जो है अलग आएगा, ये बोनट स्कूप अलग है। हाँ, ये वाला पीस जो है हमें इसका जीआर का नहीं लगा के ओरिजिनल ही लगाया है, ताकि ये ग्लॉस में प्रॉपर फिनिश के साथ ही रहे, ठीक है। मतलब जीआर का कुछ अलग था इसमें? हाँ, इसमें थोड़ा पतला आता है, हमने वो कस्टमर को वापसी देके हमने ये ओरिजिनल पे ही हाइड्रो डिप करा, ठीक है। और क्या क्या आता है जीआर किट्स के अंदर? जीआर किट के अंदर ये साइड के फेंडर्स आते हैं। अरे वाह, तो ये पूरा डोर्स के साथ आता है? ये सिर्फ फेंडर, डोर की ग्लाइडिंग जीआर की अलग से आती है, किट के अंदर नहीं आती, ये अलग से है ना। और साइड में वाइजर आते हैं किट के साथ, किट के साथ ही जिसमें जीआर मेंशन होता है प्रॉपर, ये देख सकते हो, ये सिर्फ अलग आता है आपका जीआर किट के। और साइड स्टेप भी अपने इंस्टॉल हो चुके हैं, ये हैमर के साइड स्टेप इंस्टॉल हुए हैं प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मेटल वाले हैं। अरे वाह, ये देखो भाई बढ़िया, इस पे चढ़ो कूदो कुछ भी करो। और अभी पीछे अभी बाद में आएंगे और प्रोजेक्टर भी लगेंगे इसके अंदर? प्रोजेक्टर लगे हैं, नाइट वॉक, जीटीआर नीचे लगे अपने, जीटीआर 212 विद लेजर वाले, विद लेजर। एक बार ऑन करना, तो एक बार इसका आउटपुट भी मैं चेक कराता हूँ। ये भाई विद लेजर रहते हैं, इनकी लेजर का आउटपुट ना भाई बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। और ये देखो भाई ये चेक करो, तो भाई बहुत ही तगड़ा इसका आउटपुट रहने वाला है, जैसे कि हमने अपनी और वीडियोज में। नहीं नहीं, ये प्रोजेक्टर चल रहा है, ओनली प्रोजेक्टर है। ये देखो भाई आउटपुट की बात करें, नो डाउट बहुत ही बढ़िया इसका आउटपुट रहने वाला। और पहले तो भाई ये चेक करो, पूरा भाई मॉन्स्टर ट्रक लग रहा है, ये देखो ना सामने से अगर देखो ना, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका है। प्रोजेक्टर चाहिए, प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा। तो अब आ जाओ डिंपल भाई, और क्या क्या हुआ है? तो सामने से आप लुक चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आ रही है इसकी। तो अभी अगर मैं पीछे से दिखाना चाहूँ, रोल बार इंस्टॉल हुए हैं ये देख सकते हो प्रो मैन के, और साथ ही साथ अपना शटर भी इंस्टॉल हुआ है, मैनुअल वाला रहने वाला है। इसमें एक कमी रह गई है, हाँ, इसमें अभी कैरियर लगना है, जो रोल गेज कैरियर होता है वो अभी लगेगा, तो वो अभी हम ट्यूसडे तक डिलीवर करेंगे, अभी ऑर्डर पे बन रहा है वो, तो वो ट्यूसडे आएगा तो ट्यूसडे हम लगाएंगे। बट इसकी लुक आपको मैं फोटोज दे दूंगा उसमें कैसे आती है, तो उसमें आप दिखा दीजिएगा। और साइड का यही रहेगा बिल्कुल, मैनुअल शटर है, मैनुअल शटर है, और अपना लॉक लगा है, डिक्की लॉक लगाया गया है, ठीक है, जैसे कि हम हर बार दिखाते हैं ना, शटर है, डिक्की लॉक है। अब बात करते हैं अंदर की, अंदर क्या क्या हुआ है? तो अगर मैं अंदर से दिखाना चाहूँ अंदर क्या क्या हुआ है? मैट 11D, ठीक है, 11D मैट रहने वाले, मैट बोलते हैं, हाइलक्स के लिए आते हैं, वही वाले डाले गए हैं, ठीक है, प्रॉपर रहने वाला, प्रॉपर साउंड सिस्टम आपने दिखाई दिया था, अभी साउंड सुनाना सुना सकते हैं आप। ये वाला आपका कार्बन हुआ, कार्बन फाइबर हो गया, ठीक है, डिप हुआ है ना पीछे, हाइड्रो डिप, ये देखो पूरे अपने पार्ट्स में भाई हाइड्रो डिप हुए हैं।
और पीछे एक बार बता देते हैं क्या क्या हुआ है, कंपोनेंट है पीछे, कंपोनेंट ये हाइड्रोडिप, अगेन हाइड्रोडिप। अब इसमें क्या किया हमने, हाइड्रोडिप किया साथ में इसको ग्लॉस करा दिया हमने, ठीक है। ये हाइड्रोडिप है, ऐसे ही हमारा मीटर के उधर जाएंगे तो हाइड्रोडिप विद ग्लॉस है, विद ग्लॉस रहने वाला। हाइड्रोडिप में वो पूरे में मजा नहीं आ रहा था तो हमने हाइड्रो और ग्लॉस के साथ करा, ठीक है। अभी भाई इसका कंपोनेंट जो लगे हैं वो इसमें लगे हैं आपके फोकल के एक्सपर्ट सीरीज, ठीक है, जो V1 सीरीज आती है। और विद विल देते हैं हम लोग, वो है साउंड मेकर्स का एम्पलीफायर नीचे लगा हुआ है, मॉरल का आपका हाइलो कन्वर्टर है, स्टिंगर की वायरिंग है, प्लस हमने जो इसमें इंस्टॉल की है डैम्पिंग, वो 3 mm की ऑन क्यू की डैम्पिंग इंस्टॉल की है, ठीक है। अब भाई इसका आउटपुट सुनाते हैं आपको कैसा कुछ आने वाला है। तो गाइस अब भाई इसका अंदर से आप इंटीरियर वगैरह देख सकते हो, इधर प्रॉपर भाई डिप हुआ है ये देख सकते हो, और भाई अब आपको इसका आउटपुट वगैरह हम सुनाने वाले हैं किस तरीके का आने वाला है। तो अपना भाई सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब हम। तो भाई देख सकते हो क्या ही बढ़िया एक डिसेंट आउटपुट आ रहा है गाड़ी के अंदर, और भाई साथ के साथ इधर भी कार्बन फाइबर है, इधर भी है और इधर भी रहने वाला है, और ये पूरा भाई अपना इधर पूरे कंसोल पे रहने वाला है। तो डिंपल भाई हमने सारी चीज दिखा दी है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो अभी एक बार भैया से पूछते हैं, भैया कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई। तो भैया 4 दिन बाद आ चुके हैं अपने हैलेस को लेने, तो भैया कैसी तैयार हुई है? अच्छी हुई है डिंपल भैया ने तो बहुत बढ़िया तैयार करी, मतलब जैसा आपने सोचा था कि GR किट के बाद जो लुक आएगी वैसी है, फिट एंड फ्रेश दोनों बहुत बढ़िया है, वो सब चीज देख सकते हो। बोलो एक प्लान है बस, अब भैया फिर उसके बाद अलग ही नेक्स्ट लेवल इसकी लुक आने वाली है ना। तो भाई अगर किसी को भी आना हो आ सकते हो, बालाजी कार सीरीज करोलबाग के अंदर पे शॉप रहने वाली है। किसी को स्टीयरिंग चाहिए GR का या लैंड क्रूजर वाला, तो वो स्टीयरिंग भी हमारे पास मिल जाएगा, अवेलेबल है बिल्कुल। मतलब टेल लाइट चाहिए वो भी मिल, मतलब कि भाई एक दुकान है इधर ही आना है, यही सब चीज आपको मिल जाएगी, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, लिफ्ट किट भी मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये आज की कंप्लीट वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।